हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और मैं नहा वहा ली हूँ, बस अपनी कंघी कर रही हूँ। विपिन भी नहा लिए हैं, बस हम दोनों अब निकलेंगे मम्मी के पास के लिए। चाय वाय देखते हैं, चाय पीते हैं या रास्ते में पीते हैं, कैसे करते हैं। बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे कुछ भी, पता नहीं क्या घर पे, मतलब सुना सुना सा लग रहा है ना सारा कुछ। एक मम्मी के होने से ही यहाँ पे पूरी रौनक होती थी, मन लगता था, लेकिन अभी बिल्कुल मतलब ऐसे हो रहा था, चलो मम्मी के पास, चलो मम्मी के पास। बस थोड़ा सा मैं बाहर को आके खड़ी हुई, मैंने कहा चलो कंघी करते हैं। और ऊपर मम्मी ने बोला था कि दाना वगैरह डालना है, पानी डालना है, तो इस वजह से जो है अभी ऊपर जा रहे हैं विपिन और मैं। यहाँ ऊपर कोई नहीं है, राजा जो थे पहले उन्होंने खाली कर दिया था, उनका तबादला हो गया था जो यहाँ पे आरटी जी रहते थे। तो अभी किराएदार आ रहे हैं, उन्होंने अपना थोड़ा सामान अंदर रख दिया है, इसमें लॉक लगा हुआ है, इतनी अच्छी हवा आ रही है, जा नहीं रही। ऊपर चलते हैं, मम्मी बोल रही थी कि ऊपर कबूतर के लिए दाना और पानी, वैसे छत पे डालते नहीं है बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग डालते भी हैं जो जैसे करते हैं। ठीक है, तो दाना डालना आप लोगों कई बार कमेंट किया है वीडियो में देख के कि अपनी मम्मी को मना करो कि वो छत पे ना डालें। मैंने भी मना किया है, जब भी आप इस तरह के कमेंट्स करते हैं कुछ भी हो किसी को भी लेके कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ को मैं अगर मेरे लिए है तो मैं भी उसको करती हूँ, देखती हूँ सही है नहीं है। तो मैंने मम्मी को भी बोला था, मम्मी ने बोला कि क्या किसी को खाना खिलाना अपनी अपने घर पर गलत हो सकता है, कि हम मेहमानों को नहीं खिलाते, हम कोई आ जाए मांगने वाला उसको नहीं खिलाते, तो कि फिर पक्षियों को गलत कैसे हो सकता है। तो मम्मी ने कहा कि ये सब हमारी किस्मत में था इसीलिए ये सब हुआ है, और किस्मत में जो होता है ये भी बात सही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पापा करते थे ये, पापा तो स्पेशल इनके लिए बाजरा लाते थे, लेकिन मम्मी बाजरा नहीं ला सकती हैं तो वो गेहूँ ही डाल देती है और साथ में पानी भर के रख देती हैं। तो मन हो रहा था कि चलो अभी छत पर थोड़ा सा घूम लेते हैं एक दो मिनट। काफ़ी टाइम बाद मैं छत पे आई हूँ, मैं पिछली बार भी जब आई थी ना तो मैं शायद छत पे नहीं आई थी, हाँ मैं छत पे नहीं आई थी, गुड्डू और आए थे। तो मैंने कहा चलो अब आई हूँ तो इस बार ने थोड़ा सा इधर उधर देख लूँ, घर देख लूँ, नीचे वाला जो घर था वो देख लूँ। तो यहाँ पे बस मैं बातें कर रही हूँ विपिन से और उन्हें कुछ बातें बता रही हूँ। होता है ना कुछ कुछ बातें याद आ जाती हैं, बचपन की याद आ जाती हैं, अपने पापा की याद आ जाती है, कई बार मन में भी होता है यार मेरे पापा क्यों चले गए इतनी जल्दी। अब तो उन्हें 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से भी कुछ महीने ज़्यादा ही हो गए हैं, पर मन में तो आ ही जाता है देखो, क्योंकि उनकी कोई उम्र नहीं थी, जैसे मेरे सास ससुर उनकी कोई उम्र नहीं थी, बस समय से पहले चले गए। जैसे मान लो बच्चों की शादी कर दो तो ऐसा थोड़ी होता है कि पेरेंट्स बूढ़े हो गए और वो चले जाएँ, चाहे जैसे हम मैं कल को हम शादी कर दे तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है, मन करता है ना अपने बहू बेटा बेटी दामाद पोते पोती इन सब के साथ भी खेलने का। पर फिर वही वाली बात आ जाती है, किस्मत में यही था तो वही हुआ, पर होता है ना काश काश काश, तो वही चलता रहता है। और यहाँ पे मैं जो है नीचे आ गई हूँ और चाबी रखी गेट की, मैंने कहा चलो यहाँ ही रख देती हूँ, नीचे जाते हुए लेके जाऊँगी। और फिर मैं जाल पे चढ़ के देख रही थी, ये हिल रहा था, मैंने कहा गिरेगा तो नहीं, विपिन कह रहे ऊपर कोई खुलेगा ही गिरेगा नहीं, मैंने कहा अच्छा। तो साफ़ सुथरा कर रखा है, देखो वो ऊपर भी झाड़ू पोछा करती है, मम्मी नीचे भी करती है, ऊपर हर दूसरे तीसरे दिन करती हैं, डेली नहीं करती है, नीचे तो डेली का ही होता है। और अभी तो मैं हाउस हेल्पर की बात करके जाऊँगी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी अभी एकदम से हॉस्पिटल से आते ही काम करें ये ठीक नहीं रहेगा, और उनके हाथ में अभी कैनुला भी लगा हुआ है क्योंकि उनके पेट में इन्फेक्शन है, तो उसके इंजेक्शन उनको लगने हैं। हम जा रहे हैं मम्मी के पास, दो चार बर्तन है जूना, वो वैसा हो रहा है, मैं दूसरा लूंगी तो मान लूंगी, आके मान लूंगी, पर्स तो ले ही लूं। पर्स फोन, ओहो ये वाला फोन नहीं लगाया चार्जिंग से, चलो मैं इसे पर्स में रख लूं, गाड़ी में वही लगा लूंगी है ना चार्जर को। ये वाला आपने कब चार्ज किया फोन? तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मम्मी के पास जाने के लिए, मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी जो है ताराचंद हॉस्पिटल है यहाँ से,
वहां जाएंगे जो है पक्के बाग पे, जो कि हमें रात एक बार में मिल गया, क्योंकि मैं ना यहाँ की बहुत सारी चीजें, तो देवी मंदिर मत्था टेका बहुत आई हूँ मैं, देवी मंदिर, चंडी मंदिर तो कम गई हूँ क्योंकि वो दूर पड़ता था, लेकिन देवी मंदिर बहुत ज्यादा, मैं ज्यादा पक्के बाग का तो मैं भूल ही गई किधर की साइड पड़ेगा। फिर मैंने ऐसे पूछा मम्मी से, पथवारी पड़ता है चंडी मंदिर से पहले, उधर से किधर को मुड़ना है, ये बलून नीचे गिरेगा, टेढ़ा हो गया, हवा चल रही है, बंधा हुआ है किसी चीज से। तो चलो भाई चलते हैं मम्मी के पास। कल मैं ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई थी, तो कल वाला ब्लॉग तो ऐसे ही, क्योंकि मैं आई बैठी थोड़ा, मैं थक भी रही थी, फिर मम्मी से बातचीत कर रही, तो ज्यादा मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी कल। हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और यहाँ पर मुझे कल भी जब हम लोग आए थे ना, कमरा ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि भूमि से बात होती रहती थी, तो उसने बताया था आईसीयू के बराबर वाला रूम है, पहले ऊपर था, पहले तो मम्मी को जब एडमिट किया था तो जनरल वार्ड था, मैंने बोला पिता कि नहीं, फिर वहाँ बहुत गर्मी हुई, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी वहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है एडमिट करते ही बिगड़ी थी, तो अभी चलते हैं मम्मी के पास अंदर। तो वहाँ क्या हुआ था, मम्मी को एडमिट किया, एडमिट करने के बाद थोड़ी देर मम्मी ठीक रहे, फिर जैसे जैसे दोपहर होती है, गर्मी होती है, तो वो ना शायद उसके ऊपर नहीं बना हुआ होगा या साइडों की दीवार तप रही होगी, कौन सी क्या हुआ, मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी शाम के टाइम में। सुबह में एडमिट हुई थी मम्मी लगभग 1-1.30 बजे, सुबह नहीं दोपहर, और शाम को 6:30 बजे थे, क्योंकि मैं शॉप पे थी जब भूमि का फ़ोन आया था कि बुआ अम्मा की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, वो बोल भी नहीं रही है, उन्हें सांस बहुत तेज़ हो रहा है, और पता नहीं क्या हो रहा है कि अजीब सी लग रही हैं देखने में, कि जैसे उनकी हालत कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसने वहाँ डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर ने भी देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि ये ना इनको बीपी हाई हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी का बीपी हाई होता ही है, और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर इस कंडीशन में मरीज घर पर होता है तो कई बार उसको ऐसी कंडीशन में पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि पैरालाइज होता है ना वो बीपी हाई में ही होता है। तो फिर उनका रूम चेंज करवाया था मैंने, मैंने कहा भाई रूम चेंज करवाओ भूमि, जनरल वार्ड में नहीं, एसी वेसी वाले रूम में हो, जो ठंडा रूम हो। तो फिर मम्मी का तुरंत उन्होंने बोला कि चलो एसी वाले में कर देते हैं, ताकि देखते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो ऊपर था, फिर उसके बाद कोई फिर नीचे कर दिया था, क्योंकि कोई सीरियस मरीज आया था जिसको उस रूम की ज़रूरत थी, मतलब उनको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, तो उस रूम में उनको डाला, फिर मम्मी को नीचे कर दिया था कि आप तो अब ठीक हो, आप इस वाले रूम में एडजस्ट कर लो। तो फिर मम्मी इधर आ गई, क्योंकि वो रूम थोड़ा ऐसा था कि बहुत अच्छा रूम था, तो वो रूम उस हॉस्पिटल में गिनती के ही हैं, मतलब 3 या 4 होंगे, तो और कोई रूम खाली नहीं था। तो मम्मी को फिर कि मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, उनको ज़रूरत है और मैं तो अभी ठीक हूँ, मैं नीचे चली जाती हूँ। तो फिर मम्मी का वो, तो मम्मी के 3 रूम चेंज हुए थे। और मम्मी को क्या हुआ था, मम्मी को लूज़ मोशन तो लगे ही थे, लेकिन मम्मी के पेट में इन्फेक्शन हो गया था, आँतों में सूजन हो गई थी, तो ये प्रॉब्लम नहीं, मम्मी की रिपोर्ट वगैरह कराई थी ना, तो उसमें ये सब आया था कि आँतों में सूजन है और पेट में इन्फेक्शन हो गया है। और मम्मी को ना लूज़ मोशन 9-10 दिनों से था, ये तब पता चला जब मम्मी के पास बैठे थे, बात कर रहे थे, मम्मी ने फ़ोन पे तो 3-4 दिन से बतानी थी कि हाँ मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, और फ़ोन पे भी मम्मी की आवाज़ जो है लास्ट में, तो जब यहाँ आने से मतलब एडमिट से 1-2 दिन पहले, तो मम्मी की आवाज़ बहुत डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा, देखो हमें 4 उल्टियाँ लग जाएँ हालत ख़राब हो जाती है, शरीर से चलना फिरना बंद हो जाता है। जब मुझे पता चला 9 दिन, मम्मी कह रही हाँ शुरू के 2-3 दिन तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, पेट ठीक रहेगा, हो जाएगी वो, मम्मी कह रही जब उसके बाद भी मैं दवाई लेनी शुरू करी आस पड़ोस के डॉक्टर से, वो ठीक ही ना हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, फिर वो थोड़ा बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तब भी ठीक नहीं हो रहा, फिर उनको बोला कि आप डॉक्टर कंसल को दिखा लो एक बार अब तो, तो डॉक्टर कंसल ने देखते ही मम्मी को बोल दिया था कि एडमिट तुरंत, उन्होंने बस मम्मी को छुआ भी नहीं, उन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने मम्मी की जो जीभ वीभ निकलवा कर देखते हैं डॉक्टर, वो बिल्कुल सूख चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। फिर उनके टेस्ट हुए थे,
और अभी आने से पहले भी, हॉस्पिटल से पहले भी मम्मी का ECG करा दिया था। मैंने कहा चलो, क्योंकि मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, मम्मी की बाईपास सर्जरी हो रखी है, वो तो पापा के सामने ही हो रखी है, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो मैंने कहा चलो ECG कराते हैं। तो ECG मम्मी का नॉर्मल आया, क्योंकि टेंशन रहती है ना कि यार क्या पता क्यों घबराहट, क्योंकि मम्मी को एकदम से कुछ हो जाता है। और कभी कभी होता है, ऐसे तो नहीं है, या तो गर्मी की वजह से हो जाता है वो, या किस वजह से होता है। तो मम्मी को किया बाय। उसके बाद मेरे को याद आया कि हाउस हेल्पर की बात की थी, तो मैंने भाभी को बुलाया, भाभी वो आप देख लेना और उनको बोल देना। तो उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था कि हम 12:30 तक या 1 बजे तक आ जाएंगे। तो मैंने मम्मी को कह दिया था आप एक चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे, इधर से उधर नहीं करोगे, जो है जैसा है बैठे रहो, बस वो आके सब कर देंगी। मैंने तो ये भी कहा था कि आप खाना भी उनसे बनवा लो कुछ दिन और सारा काम छोड़ दो। मम्मी कह रही मैं क्या करूँगी, मम्मी की एक ही बात थी, मैं क्या करूँगी। मैंने कहा मम्मी यार सब कर लेना, लेकिन महीना भर तक तो वो कर लो। मम्मी कह रही ना, मैं तो भैया बोला था मम्मी परमानेंट लगा के रखो, अब देखते हैं मम्मी कितना टाइम लगा के रखते हैं, 1 महीना 2 महीना कितना महीना। और रही बात, आप सबके कमेंट भी आ रहे थे अपने साथ ले आओ मम्मी को, अपने साथ ले आओ। मैं भी चाहती हूँ मम्मी मेरे साथ आ जाएँ वहाँ पर। अभी भाई भी नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा भाई, तो फिर मतलब अब आ गया होगा या आने वाला होगा, तो फिर वो जो है मम्मी को फिर भी इतनी टेंशन नहीं होती कि भाई है, लेकिन वो भी घर पे नहीं रह सकता, उसको भी जाना पड़ता है, खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब जो है पैसे से ही होता है, तो उसको भी जाना पड़ेगा, चाहे वो 2 दिन बाद जाए 3 दिन बाद जाए वो भी चला जाएगा। तो पर मम्मी कहती हैं फिर घर कौन देखेगा, घर बहुत गंदा हो जाएगा। अब खैर किराएदार आ गए हैं तो फिर उतनी टेंशन तो नहीं है, जब कोई और भी होता है साथ में। जब बिल्कुल अकेली थी तो टेंशन हो रही थी, किराएदारों ने अभी खाली किया है, मुश्किल से 10-15 दिन ही हुए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर निकल ही चुके हैं जैसा आप देख रहे हैं, और अब चलते हैं। और थोड़ा मम्मी की टेंशन तो रहेगी, देखो होता रहेगा, बीच बीच में फ़ोन करती रहूँगी उनको। और बहुत सारे कमेंट्स कल भी आए थे, आप ले आना आप ले आना। मैं तो चाहती हूँ यार, मेरी तो मतलब उनके आने से मुझे बहुत सहारा लगेगा। काम के सहारे की बात मैं नहीं कर रही, क्योंकि कुछ लोग गलत वे में ले जा लेते हैं। आप ही सोचो, मेरे पास मेरी मम्मी होंगी, मैं बेफिक्र होके कहीं भी जा सकती हूँ, मेरा काम ही ऐसा है, मेरे को टेंशन नहीं होगी क्योंकि बच्चों के पास मम्मी होंगी। लेकिन मम्मी तो हाँ करें, मम्मी तो माने तभी तो, मम्मी मानती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। मम्मी का एक ही बात होती है, तू छोड़ देगी अपने घर को अकेला तो चल मैं भी छोड़ देती हूँ अपने घर को अकेला। अब मैंने कहा अब क्या बोलूँ, मम्मी कह रही थी मैं आऊँगी जून में आऊँगी, कुछ दिन के लिए आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। और मम्मी के लिए आप लोग इतना सोचते हो, बताते हो, सभी के कमेंट्स, पर्सनल मैसेज आना, तो उस प्यार के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जा रही, आप जाओ। मैं नहीं जा रही, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, आप जाओगे। स्टार्टिंग वाला ही लाना, मुझे वो ही पसंद है। हाँ, विपिन ने लिए थे बर्गर, 2 लिए थे वो, मुझे स्टार्टिंग वाला जो मैकडोनल्ड का होता है मुझे वो ही पसंद है। पहले वो शायद 50 या 55 का कुछ ऐसे आता था, जब भी हम यहाँ से जाते थे ना, मतलब मैंने उसके ना 3-4 या 5-6 तरीके के जो बर्गर होते थे, पिछली बार जब बच्चे आए थे तब विपिन 4 बर्गर अलग अलग लाए थे, और वो वाले जो बर्गर थे वो इससे तो बिल्कुल अलग थे, क्योंकि इसमें बहुत क्रीमी सा चीज भी ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, मुझे कम ही चाहिए, बढ़िया होता है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये कितने वाला था, 1.70 और 1.75, 2 लाए थे इनको और मेरा, क्योंकि हम गणपति नहीं रुकेंगे, खाने का मन नहीं है, घर पे जाके देख लेंगे थोड़े से दाल चावल। खुशी का फोन आया था क्या बना लूँ, मैंने कहा दाल चावल बना लियो। मैं पहले बोलने लगी, ये कहने लगी क्या बच्चे जो रखा है उससे खा लेंगे, छोड़ क्यों परेशान होंगे, क्योंकि वो बोल रही थी थोड़ी सी पनीर की भुर्जी है जो कल बनाई होगी। तो फिर वो मैंने कहा नहीं चलो, हो नहीं पाएगी सबके लिए, या फिर मैंने उसको ऑप्शन दिया, मैंने कहा मैगी वैगी खा लो तुम लोग, हमारी टेंशन मत लो। तो कह रही नहीं मैगी वैगी नहीं खाने का मन हो रहा, क्योंकि उन्होंने अभी खाई थी 3-4 दिन पहले। तो फिर कह रही कि चलो मैं दाल चावल ही बनाती हूँ, और फिर पीली वाली दाल हम सबकी फेवरेट है। तो अभी घर चलते हैं, घर चलते क्या है, घर पहुंचने में अंधेरा तो हो जाएगा लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे अभी। चलो फिर चलते हैं घर। लगभग 9:15 का टाइम है, और ये जो देहरादून की तरफ से मोंड वाला रास्ता आता है, बिहारीगढ़ वाला, हम उस तरफ से आए हैं, सहारनपुर वाली तरफ से नहीं आए। हालांकि इस तरफ से ना थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, ज़्यादा तो नहीं, आधा घंटा बोल सकते हैं, आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा लगता है, सहारनपुर वाले से आधा पौन घंटा कम लगता है।
तो हम उधर से नहीं आए क्योंकि उधर का जो रास्ता है ना वो बन रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है 3-4 जगह। तो फिर विपिन ने कहा अभी रात का टाइम है, चल इधर से चलते हैं। मैंने कहा चलो, जहाँ इतना लंबा रास्ता वहाँ थोड़ा सा और सही। तो इस तरफ से आया, इस तरफ फिर ना चलता भी रहता है रास्ता, 10-11 बजे तक अच्छा खासा चलता है, उसके बाद भी चलता है पर कम हो जाता है, लेकिन वो वाला रास्ता तो बिल्कुल सुनसान हो जाता है। तो यहाँ पे बस अभी हम लोग निकले क्या है, घर पहुँच जाएंगे। यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 घंटा लगेगा। तो ये सुरंग आई, अच्छी लगती है सुरंग सी। और दूसरा मुझे टाइम पास करना था क्योंकि मुझे बहुत झपकी आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये लग रहा था विपिन को नींद ना आ जाए मुझे देख के, क्योंकि रात में भी हम ठीक से नहीं सो पाए थे और फिर सुबह जल्दी उठ गए थे जब नींद आ रही थी। उसके बाद दिन में भी पूरा दिन सोने को नहीं मिला, तो फिर ऐसे हो रहा था ना गाड़ी में, मुझे फिर नींद आ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाते हैं, इस टाइम पे थोड़ा नींद खुलेगी, थोड़ा फ़ोन देखती हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी में फ़ोन फान कुछ भी नहीं देखती हूँ। विपिन और मेरी बात भी आप लगा लो ना के बराबर होती है गाड़ी के अंदर बैठ के, क्योंकि एक तो मेरा जी सा वो हो जाता है, अजीब सा, मुझे वॉमिटिंग नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया, पर मन अजीब सा हो जाता है। तो फिर इस वजह से मैं बातचीत भी नहीं कर पाती हूँ। बस मम्मी को कॉल किए थे जितनी बार भी किए, और उसके बाद घर के बच्चों के आ रहे थे वो रिसीव कर रही थी। तो अभी ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं, गुड।